तो ये है एक मेरे पास टूल जो कि फलों और सब्जियों को काटने के लिए काम आता है। तो चलो अभी इसको ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास चार किस्म के फ्रूट और सब्जियां पड़ी हुई हैं। इसको हम ऐसे इसको निकाल लेते हैं, अनबॉक्स कर लेते हैं। ओके, तो ये देखो यार, इसके कटर्स बने हुए हैं, इधर ब्लेड्स हैं ये सारे, और ये जो गोल यहाँ पे बना हुआ है ये बीज इसके निकालता है, और इसके अंदर से सेब के अंदर से और टमाटर वगैरह सब के अंदर से जो बीज होते हैं इसके, ये वो वाला पार्ट अलग कर देता है और ये बाकी उसके हिस्से बन जाते हैं। तो अभी सबसे पहले कीवी को ट्राई करके देखते हैं क्या ये इसको काटता है या नहीं। अभी इसको ऐसे पीसी। ओ वाह यार, ये देखो कितना परफेक्टली इसको कट कर दिया इसने। इसके बीज जो है हमें इसको ऊपर से काटना चाहिए था, लेकिन इसको हमने साइड से किया, तो ये देखो फिर भी कितना प्यारा इसके पीसीज हो चुके हैं, और सेंटर में जो ये बीज वाला हिस्सा होता है इसको इसने अलहदा कर दिया। तो अभी इसको दूसरे पे ट्राई करके देखते हैं, किसी और चीज पे। अभी इसको सेब पे ट्राई करके देखते हैं। तो ये लिया सेब, और अभी इसके ऊपर ऐसे इसको काट के देखते हैं। काट दे भाई इसको भी। ओ वाह यार, ये देखो, वाह ये देखो यार, इसका कोई भी किसी साइड से कोई बीज इसका बाहर नहीं आया, और ये देखो इसका ऐसे बाहर निकालते हैं, कितने परफेक्ट इसने स्लाइसेस कर दिए इसके। वाह, तो ये बहुत ही अच्छा टूल है जो मिनटों में किसी भी फल को काट सकते हैं हम। इसको अभी इसके ऊपर मसम्मी के ऊपर भी ट्राई करके देखते हैं क्या ये जो बारीक छिलके वाला सिर्फ उसी को काटता है, या ये जो एक मोटा छिलका है इससे भी काट सकता है। अभी इसको ट्राई करके देखते हैं। तो इसको इधर सेंटर में रख लेते हैं, और 3 2 1, और बहुत जोर लग रहा है यार इसके ऊपर। ओ नो यार, ये देखो ये तो टूट गया है। इसका मतलब है ये सिर्फ जो है ये बारीक छिलकों वाले जो है फल सिर्फ उन पे ही हम ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई मोटे छिलके वाला आ गया, यानी कि इस तरह कोई मौसमी आ गया, तो ये उस पे काम नहीं करेगा। ये देखो इसकी क्या हालत हो चुकी है, इधर से ये देखो टूट चुका है, और इधर भी एक आ चुका है, स्क्रैच आ चुका है। ये सॉफ्ट चीजों के लिए यानी सेब हो गया और इस तरह का कीवी वगैरह हो गया उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो हार्ड छिलके वाले फल हैं उनके लिए ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो ये हालत होगी इसकी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको इसी तरह के जो नए टूल आने वाले हैं मार्केट में, ये जो आ चुके हैं उनका रिव्यू आपको मिलता रहेगा।